फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये क्या है, ओवरी। ओवरी इज अ पेयर्ड ग्लैंड। ओवरी क्या होता है, यह एक पेयर्ड ग्लैंड होता है, ये पेयर में पाए जाते हैं। इट लुक्स लाइक ए स्ट्रॉबेरी बट इट इज नॉट स्ट्रॉबेरी। ये स्ट्रॉबेरी की तरह दिख रहा होगा लेकिन ये स्ट्रॉबेरी है नहीं। स्ट्रॉबेरी देखे हुए कैसा होगा, रेड वाला भाग जो होता है पूरा वो मान लो ओवरी, और स्ट्रॉबेरी के जस्ट ऊपर देख तो पत्ते की तरह होता है, जिसको प्लांट में बोला जाए तो सेपल बोल सकते हैं, ठीक है। लाइक दैट द ग्रीन पार्ट्स आर अवेलेबल एंड दैट इज द पार्ट ऑफ ओवरी एंड द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर देयर दैट इज कॉल्ड फिम्ब्रे। यह फिंगर की तरह दिखने वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं क्या, फिम्ब्रे। जैसे मान लो एज्यूम करो कि हमारे पास क्या है, एक डस्टर है, तो ये डस्टर को अगर मान के चलते हैं कि यह एक ओवरी है, क्या है यह, अगर ये ओवरी है तो ओवरी को पकड़ के रखा है कौन, ये फिंगर। अगर ये फिंगर पकड़ के रखा है तो फिंगर क्या कहलाया, फिम्ब्रे कहलाया। फिंगर क्या कहलाया, फिम्ब्रे कहलाया, और ये डस्टर क्या है, ओवरी है। तो देखो ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ये देखो ऐसे लेवल तो है ना, लेवल ऐसे, तो ये फिंगर क्या हो गया, फिम्ब्रे। ये क्या है, ओवरी। इसके जस्ट अपर पोर्शन इसको बोलते हैं क्या, इनफंडिबुलम। क्या बोलेंगे इसको, फिर एम्पुलरी रीजन आएगा और थैमस रीजन आएगा, और टोटल मिलके यहां से लेकर के इनफंडिबुलम तक बनते हैं क्या, फेलोपियन ट्यूब। क्या बनते हैं, फेलोपियन ट्यूब। आगे देखो, यहां पे ओवरी के अंदर फीमेल बॉडी के अंदर, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, फीमेल बॉडी के अंदर बच्चे के जन्म लेने से पहले, मतलब फीमेल बेबी के जन्म लेने से पहले बच्चे के ओवरी के अंदर डिसाइड हो जाता है कि कितने ओसाइट्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। मिलियंस में ये ओसाइट जो होते हैं वो ओवरी के अंदर पाए जाते हैं। फिर क्या होता है, जब फीमेल वो, यानी कि जो फीमेल बच्ची थी, बेबी गर्ल, जब वो प्यूबर्टी एज पे चली आती है, तो प्यूबर्टी एज के आने के बाद ये यही एग जो यहां, यानी कि जो प्री मेच्योर एग जो इस ओवरी के अंदर होता है, इस प्री मेच्योर एग धीरे धीरे ये मेच्योर होते जाएगा और हर महीने एक ओवरी से एक एग बाहर निकलते रहेगा। जैसे सपोज दैट अगर ये एग मार्च मंथ में, कब, मार्च के मंथ में यहां से ये एक एग बाहर निकलती है, ठीक है, तो मार्च के बाद अप्रैल में, कब, मार्च के बाद अप्रैल में दूसरे ओवरी से निकलेगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं ओव्यूलेशन की, तो जो ओव्यूलेशन होता है वो क्या होता है, रिलीजिंग ऑफ मैच्योर ओवा फ्रॉम ओवरी टू फेलोपियन ट्यूब। जब मैच्योर ओवा ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है उसे बोलते हैं क्या, ओव्यूलेशन। एंड दीज ओव्यूलेशन विल अकर सिंगल टाइम इन अ सिंगल मंथ फ्रॉम अ सिंगल ओवरी। एक ओवरी से एक बार में बस एक ही एग बाहर निकलता है और फिर नेक्स्ट मंथ दूसरे ओवरी से, जिस समय एक ओवरी से निकल रहा होगा उस समय दूसरा वाला ओवरी जो होगा वो एग को रिलीज नहीं करेगा। लेकिन यह बातें हम करते हैं कब, जब आइडियल कंडीशन होती है तब। ये आइडियल कंडीशन की बातें हैं, एबनॉर्मल तो कुछ और भी हो सकता है। जैसे कभी कभी सुनते हैं हम लोग कि दो एग भी रिलीज हो जाते हैं, अगर दो एग रिलीज हो जा रहा है यानी कि वो क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन, दैट इज नॉट आइडियल कंडीशन। बायोलॉजी में हम लोग नॉर्मल कंडीशन पे बात करते हैं, आइडियल कंडीशन पे, एबनॉर्मल कंडीशन पे बात नहीं करते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल बहुत सारे एक्टिविटीज होने लगते हैं, ठीक ना, दैट्स इट। बाकी बहुत सारे कंटेंट बाकी हम लोग करेंगे कल, ठीक है, आज के लिए।